हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग देख सकते हो हम इस टाइम मजरा में हैं, ओमान में। और ये देखिए, ओमान का एक कुआं है जो कि बहुत नीचे तक है। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे कुआं। दादू, ये कुआं कितना नीचे तक होगा? ज़्यादा नीचे मालूम नहीं। मालूम नहीं है ना? तो ये ज़्यादा नीचे तक है जो कि मशीन से पानी निकाला जाता है, और यहाँ पे लोग काम करते हैं, बंगाली लोग, जो कि 100 रियाल 120 रियाल सैलरी होता है उन लोगों को। ऐसा है, यहाँ का बागवान है जो कि पूरा, ये बागवान खजूर का बागवान है। और ये देख सकते हैं, ये लोग, ये मेहंदी का पेड़ है जो कि हाथों पे सजाया जाता है। टूट के बागों से हाथों पे बिखर जाती है मेहंदी। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा वीडियो आप लोग को देखने को मिलता रहे ओमान से। तो ऐसा है, यहाँ पे खजूर का बागवान बहुत बड़ा बागवान है। अब किधर जाएंगे हमको? अगर निकलना है तो मैं कैसे निकलूँगा मालूम ही नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर धीरे धीरे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नींबू का पेड़ है, ये जो बड़ा वाला नींबू है उसका पेड़ है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, एंड वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खजूर का पेड़ है, उसी को यहीं पर अंदर में ही जला देते हैं लोग। इधर लेकर के जाएंगे, आग लगा दिए हैं, जल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना तगड़ा इसमें आग हुआ है। और यहाँ पे खेती भी करते हैं ज़बरदस्त। देखिए, इसके अंदर पूरा मजरा में यही खेती का काम होता है। देखिए, सभी छोटा छोटा है काफ़ी। दादू, यहाँ पे सैलरी कितना है? इसमें सैलरी कितना है मजरा में काम किया तो? तो यहाँ पे 100 रियाल है सैलरी। और ये देख सकते हैं आप लोग, घेवड़ा है, घेवड़ा है पूरा, बना दिया ना घेवड़ा जो कि फरा हुआ है। टमाटर और ये सब घास वगैरह है, देखिए टमाटर वगैरह लगाए हैं सभी। उधर दो है, और चुटा चुटा है। पपीता भी है, हम पपीता ही खाने आए हैं आज मजरा में। और जिसके साथ में काम कर रहे हैं उसी के साथ में आए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पानी भी है जो कि खेत को सींचने के लिए। वो सेम है, यहाँ पे भी सब्जी वगैरह लगाए हैं लोग। देख सकते हैं ये सब बैंगन है, फिलहाल में अभी फरा नहीं है। ये केला भी है, इधर ऊपर में आम का भी पेड़ है, आम का तो बहुत आया है। तो आज हम मजरा में घूम रहे हैं, और ऐसा ही होता है यहाँ का मजरा, यहाँ का खेती बाड़ी। इसमें जो बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं, देखिए मुर्गा भी पाल रखे हैं लोग। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और उधर में पहाड़ है, वो सामने पहाड़ दिख रहा होगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है इस मजरा का। तो गाइस, आप लोग प्लीज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, विदेश में कैसा है, क्या है, कैसा खेती बाड़ी है वहाँ पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम वीडियो यहाँ से जब भी अपलोड करें आप लोगों को वीडियो मिल सके। इसमें ही इंडिया से लोग मजरा में, कोई आता है, कोई बांग्लादेश से, कोई पाकिस्तान से, जो आ करके यहाँ पे काम करते हैं लोग। लोग पूछते हैं मजरा में काम क्या है, तो मजरा में तो यही सब काम है। खजूर का बागवान होता है, उसी के बागवान के अंदर में थोड़ा बहुत खेती का काम होता है। ये देख सकते हैं, काफ़ी पपीता भी है यहाँ पे, ये पूरा पपीता का ही पेड़ है। केला वगैरह सभी है, बहुत ऊपर है पपीता, लेकिन एक दादू है तोड़ने का कोशिश करता है, देखो मिलता है कि नहीं।
टूटेगा दादू? हमको तो मुश्किल लगता है कि टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो बराबर नहीं है ना डंडा। तो गाइस लो एक पपीता मिल गया, मेहनत से कामयाबी मिलता ही है। एक पपीता मिल चुका है, कितना अच्छा है पका हुआ, बिल्कुल स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं दो पपीता मिल गया है हमें और एक और मिला है, ये देख सकते हैं तीन पपीता हो गया। टाइम कितना और हुआ? चल के हम लोग उधर खाएंगे, पपीता उधर जा कर के खाएंगे। इस ऑलरेडी हम पपीता खाने चल रहे हैं, देखिए पपीता काट दिए हैं और काम भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में क्या करें, ऐसे ही देखिए बिना छीले ही खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी खाना है तो खा सकते हैं, बहुत मीठा है। मज़ा आ जा रहा है, अपने यहाँ के जैसे बगीचे का फल खाते हैं, बगीचे में फल खा करके मज़ा ही कुछ और है। अब हम चल रहे हैं काम पर, काम तो मैं यहाँ पर कर रहा था और गया था वहाँ पर, थोड़ा ही काम बाकी है, काम पूरा हो गया है, थोड़ा ही काम बाकी है, अभी ख़त्म करके फिर यहाँ से जाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके।